सब्सक्राइब करिए कुक विद शाहीन को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्वीट डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, बादाम की फिरनी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है ये। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। 1/2 कप मैंने चीनी लिया है, मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी इसलिए मैंने चीनी की क्वांटिटी 1/2 कप ली है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने राइस फ्लोर लिया है, ये चावल का आटा है। 1 टीस्पून मैंने पिसी छोटी इलायची ली है और ये मैंने 15 बादाम लिए हैं, इनको भिगो दिया था मैंने और फिर इसका छिलका उतार लिया है। और ये थोड़े से बादाम मैंने कट कर लिए हैं, इसका इस्तेमाल मैं गार्निशिंग में करूँगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बादाम में 1/2 कप दूध डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आइए हम बादाम को 1/2 कप दूध के साथ इसका मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लेते हैं। ये मैंने बादाम को दूध के साथ पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है, बहुत ही बारीक पेस्ट बनाना है। फिर हमने इसमें जो 4 टेबल स्पून चावल का आटा लिया था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए, इसमें कोई भी लंप ना रहे। ये मैंने चावल को और बादाम के पेस्ट में मिलाकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब आइए देखते हैं फिरनी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस पर दूध को रख देंगे, जो हमारा दूध उबल जाएगा तब हम इसमें चीनी मिला देंगे और चीनी के घुलने तक इसको कुक कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे। जब हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी तब हम इसमें अपना बादाम और चावल का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको हम डाल देंगे इसमें। और इसको लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। इस फिरनी को हम जब भी बनाएंगे तो हमारा जो भगोना है, बर्तन है, वो हैवी बॉटम होना चाहिए, नहीं तो फिरनी नीचे से जल जाएगी। इसको हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए कुक करेंगे, उसके बाद स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक धीरे धीरे आंच पर कुक करेंगे या जब तक ये पेस्ट गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। ये मैंने इसको 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता लगातार चलाते हुए कुक कर लेंगे। हम इसको चलाते हुए लगातार कुक करेंगे जिससे ये नीचे जले ना। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लगातार चलाते हुए हम इसे कुक कर लेंगे। हमारी फिरनी को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये कस्टर्ड की तरह गाढ़ा हो गया है। इसको लगातार चलाते हुए कुक करना है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। अब इसे भी लगातार चलाते हुए थोड़ी देर तक कुक कर लेंगे। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और कुक कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिरनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें।
ये हमारी फिरनी बनकर तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, अब ये ठंडा होके और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आइए अब इसे सर्व करते हैं। ये हमारी यमी डिलीशियस बादाम की फिरनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है ये। इसे बादाम के फ्लेक से गार्निश कर दीजिए। आप इसे ठंडा सर्व करिए, इसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर दीजिए। ठंडा ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।